हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सीटेट के डिफरेंट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां देख भी सकते हैं, ये सीटेट की ऑफिशियल साइट है और यहाँ कई सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुए हैं। यानी 2023 में जो डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर है वो भी सभी डाउनलोडेड है यहाँ, और 2022 में भी जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी सब यहाँ डाउनलोडेड है। कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे और वहां सर्च करना है cbse.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा और आपको सबसे फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जाना है अकेडमिक वेबसाइट पर, यानी अकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि है सीबीएसई ऑफिशियल साइट, यानी ये पेज आप के सामने ओपन होगा। और हमें जाना कहाँ है, सीटेट के लिए। इस वजह से हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कई सारे लिंक दी गई हैं जिसमें सीटेट मेंशन किया गया है, तो आपको सीटेट पे सिंपली क्लिक कर देना है। और सीटेट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक सीटेट का नया पेज ओपन हो जाएगा, यानी सीटेट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ भी कई सारे लिंक दिए गए हैं। यहाँ आपको जाना है आर्काइव पे, यानी आर्काइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये है आर्काइव। जैसे ही आर्काइव पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको दिए गए प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है और हमें मतलब है क्वेश्चन पेपर से। यहाँ क्वेश्चन पेपर दिया गया है तो सिंपली आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कई शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोडेड हैं। दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आए थे, उन सभी को यहाँ पर डाउनलोड किया गया है। 1 जून 2023 को सीटेट ने ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, मान लीजिए 6 फरवरी का क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ बात ये आती है कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डाउनलोड का सिंबल, आपको यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देंगे ये जो फाइल है ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर फोल्डर पे चली जाएगी, यानी जहाँ भी आप सारी फाइल्स रखते हैं डाउनलोड करके वहाँ ये फाइल चली जाएगी। जैसे कि मैं अपने पीसी में डाउनलोड के सेक्शन में ये सभी फाइल्स रखती हूँ, तो यहाँ आप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पहले ही फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, यहाँ S1 और S2 यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। Shift 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी लैंग्वेज बेस पे डिवाइडेड है और इन पे क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जो है आपका क्वेश्चन पेपर, यानी जो 6 फरवरी 2023 को क्वेश्चन पेपर आया था वो ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी पहले पेडागोजी, फिर मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद EVS, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट आपके पेपर फर्स्ट के दिए गए हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली रिवाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सिंपली आपकी हेल्प करने के लिए, मतलब कभी भी आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी अगर मेरे हैंड में है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।